The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello friends, this is Dr. Paramjeet. You are watching Dr. Education. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Friends, the exam is starting. 90% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं. एग्ज़ाम स्ट्रेस, एग्ज़ाम टेंशन बहुत बड़ी चीज़ है जो ना सिर्फ आपके मार्क्स कम कर सकती है, आपको बीमार कर सकती है, आपका परफॉर्मेंस फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट को टेंथ कर सकती है, फेल करा सकती है, और इससे बचना बहुत ज़रूरी है. लेकिन एग्ज़ाम स्ट्रेस होता क्या है, इसको पकड़ेंगे कैसे, इसको पता कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको अवॉइड कैसे करेंगे, यही वीडियो है आज का, एग्ज़ाम स्ट्रेस पे, एग्ज़ाम टेंशन पे. सो एग्ज़ाम स्ट्रेस अगर किसी को है, आपको, आपके भाई को, आपके दोस्त को, आपके बच्चों को, किसी को, किसको अगर भाई बहन, किसी को, आपके बच्चों को, किसी को भी एग्ज़ाम स्ट्रेस है, तो उसको कैसे पहचाने. नंबर वन साइन सिम्टम उसका है कि अगर आप बच्चा बहुत ही ज़्यादा वरी कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, अति आवश्यक मतलब अति से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा जितनी जरूरत, थोड़ी बहुत वरिंग इज़ गुड, जो आपको पॉइंट पे रखती है, कंसंट्रेशन बना के रखती है कि नहीं मुझे और कुछ नहीं करना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अति वरी वो ख़राब है. बहुत ज़्यादा टेंशन वो अगर हो रहा है तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड. या आपका अननेसेसरी ज़्यादा बार सर दर्द होते जा रहा है, पेट दर्द होते जा रहा है, आप कुछ दवा भी ले रहे हो फिर भी सर दर्द, पेट दर्द, पेट दर्द, या बहुत ही ज़्यादा खाना खा रहे हो या खाना ही नहीं खा रहे हो, खाने में इंटरेस्ट ही खत्म, या खाते ही जा रहे हो, ये भी साइंस हैं कि आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस है. दूसरा, आप सो नहीं पा रहे हो, नॉट एबल टू स्लीप इज़ ऑल्सो अ साइन कि आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस है. आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है चीज़ों में. दूसरा मतलब नेगेटिव थाट सोच रहे हो, या फिर मूड डिप्रेस रहने लगे, बात नहीं कर रहे हो किसी से, ये सारी चीज़ें जो है होपलेस फील कर रहे हो, या आपके कोई भी स्टूडेंट या बच्चे या बहन भाई होपलेस फील कर रहे हैं, इस इनमें से कोई भी साइन सिम्टम है तो उनको एग्ज़ाम स्ट्रेस है. क्या करोगे, क्या कर सकते हो, कर सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो. आप एज अ एल्डर, अगर आप खुद को नहीं है तो दूसरे जो आपके साथ हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो बच्चे हैं, फ्रेंड है, भाई बहन है, उनके लिए क्या कर सकते हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको करनी है उस समय, ये मेक श्योर करिए कि उनको जो नींद है वो मिले, वो सो पाएं. मेक श्योर कि वो नींद पूरी करें, 6 घंटे मिनिमम नींद. दूसरा नंबर, मेक श्योर कि वो खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं. एग्ज़ाम डाइट हमने जो बताया उसमें से कुछ ना कुछ गुड खाना खाएं. उल्टा सीधा ना खाएं, उल्टा सीधा हाई सॉल्ट, हाई कैलरी, हाई लो प्रोटीन वाला फूड, चिप्स वाला फूड, बर्गर वाला फूड, ऐसे नहीं, जंक फूड नहीं, अच्छा खाना खाएं. मेक श्योर करिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है. मेक श्योर करिए थोड़ा फ्लेक्सीबल होइए एज अ पेरेंट, एज अ एल्डर ब्रदर. उसने आपका, जरूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के दिन वो भी काम करके जाना है, बेड भी बना के जाना है, आपने अपना कमरा पहले साफ करो, एग्ज़ाम दूर की बात है, बात की बात है, पहले ये करो, पहले वो करो. थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, उनके साथ पढ़ाई में हेल्प करो, उनके साथ पढ़ाई में हेल्प करो, और नहीं तो थोड़ा सा उनको ब्रेक दो, ब्रेक दिलवाओ. ब्रेक से फ़ायदा होगा, जिसमें वो ब्रेक में चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे मेडिटेट करें, थोड़ा सा टाइम फ़न के लिए निकलवाओ उनको. कोशिश करो वो खुद निकाले, थोड़ा कॉमेडी कुछ देख लें, कोई म्यूज़िक सुन लें, थोड़ी उनसे बात कर लो, थोड़ा उनकी सोशल लाइफ एक्टिवेट करने की कोशिश करो, दोस्त से बात करवा दो. तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, आपका काम है. और मान लो खुद ही डिप्रेस्ड हो, खुद ही आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस है, तब क्या करोगे. कई लोग इतने स्ट्रेस हो जाते हैं, क्या करूँगा, हे भगवान क्या करूँगा, है ना. उस समय डीप ब्रेथ एंड स्लो ब्रेथ, वेरी स्लो, एकदम तेज डीप ब्रेथ नहीं, हाइपर वेंटिलेट नहीं करना है, डीप एंड स्लो ब्रेथ लेनी है. दैट विल रिलैक्स यू, काम योर माइंड, हार्ट रेट इसको रिलैक्स करेंगे, सबको रिलैक्स करेंगे. थिंक अबाउट समथिंग एल्स, थिंक अबाउट समथिंग कॉमेडी, थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट, समथिंग विच यू लाइक, समथिंग विच यू इन्जॉय, उसके बारे में सोचो. कुछ मेडिटेट कर लो, कुछ चैंट कर लो, कोई भगवान के बारे में, कोई ये कुछ वो, ऐसी चीज़ें खुद करने की कोशिश करो जिससे आप शांत हो जाओ. म्यूज़िक सुन लो, इस तरह की चीज़ें, या दोस्त से बात कर लो, ये इंपॉर्टेंट है. और अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें ना आए, बार बार नहीं आए, तो पहले इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के बीच में ब्रेक.
पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना, 5 मिनट ब्रेक भी बहुत है, 5 मिनट ब्रेक लो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड, राइट, स्माइल करो, बहाना ढूंढो स्माइल करने का, हंसने का, लाफ करने का, कोई कॉमेडी वीडियो देख लो, कॉमेडी बंदे से बात कर लो, दोस्त भी होते हैं जो हंसाने वाले होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं जो हंसाने वाले होते हो, गेट सोशल, लोगों से बात करो, दोस्तों से बात करो, इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट सोशल बट नॉट गेट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बंदे से बात करो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, पढ़ने के लिए हिम्मत देगा, उससे बात करो, उनसे नहीं जिससे आपके ज़्यादा पढ़ा होगा और वो बोलेगा यार तेरे को कुछ नहीं आता, मुझे आता है, मैं तो पास होऊंगा तू फेल, या ऐसे लोगों से नहीं मुझे भी कुछ नहीं आता मैं भी रो रहा हूँ, ऐसे नहीं, डोंट टॉक टू दोज पीपल, टॉक टू दोज पीपल जो पॉजिटिव वाइब देंगे, क्योंकि उस समय आपको पॉजिटिव चीज़ चाहिए, सैड सॉन्ग नहीं चाहिए, पॉजिटिव चीज़ चाहिए, राइट, उस समय कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट, उस समय ये चाहिए, मेडिटेट करो, अगर मेडिटेशन से आपको लगता है योगा करो, योगा या जो भी रिलैक्सेशन टेक्निक आप फॉलो करना चाहो, एक्सरसाइज, योगा, म्यूजिक, वीडियोज़, कॉमेडी, डू दैट, टेक आउट अ ब्रेक, 5 मिनट 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे दिन में हर घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे में एक बार ब्रेक जरूर लो, बाकी फिर पढ़ाई करो और 6 घंटे की नींद लो, मेक श्योर करो, अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हो, एग्जाम स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहते हो, तो एग्जामिनेशन के काफ़ी पहले से प्लानिंग शुरू करो, प्लानिंग के लिए वीडियो हमने बना रखा है, प्लानिंग के साथ साथ आपको ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना, अचीवेबल प्लान, बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब नहीं, ये भी कर लूँगा मैं, वो भी कर लूँगा, पहाड़ तोड़ दूंगा मैं, हिमालय चढ़ जाऊँगा, ऐसा नहीं, राइट, अचीवेबल प्लान, शॉर्ट सिंपल गोल्स जो अचीव हो और उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, सोशल एक्टिव रहना, ऐसा नहीं कमरे में बंद होकर पढ़ाई करूँगा 2 महीने बाद ही निकलूँगा, नो 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 नो, बी सोशल, बी एक्टिव, मेक श्योर टू एक्सरसाइज, मेक श्योर टू स्लीप, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम स्ट्रेस से बचने के लिए, एग्जाम स्ट्रेस इज बैड, यहाँ तक कि कई बार देखा गया है अच्छे अच्छे लोगों के 30-40% तक मार्क्स कम कर देता है एग्जाम स्ट्रेस, मेक श्योर ये सारी चीज़ें अपनाओ, लोगों को बताओ, दोस्तों को बताओ, बच्चों को बताओ, स्टूडेंट को बताओ, कॉलेज वाले लोगों को बताओ, सबको ये वीडियो शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक, कमेंट में लिख के बताओ क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, सुधारेंगे चीज़ों को और बेहतर से बेहतर चीज़ आपको ला के देंगे, आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।